हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माय सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं आज हम फिर से, और आगे के टॉपिक था क्लाइमेटोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के टेस्ट देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब पेटियां और पवन संचरण, अर्थात वायुदाब की पेटियों से संबंधित और पवन संचरण से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बेच स्टार्ट है, थार जिनको पीएचडी करनी है या फिर जिनका सपना जेआरएफ लेके पीएचडी करना है, उनकी क्लासेस अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, जो कि एनटीए नेट जेआरएफ के कोर्सेज है। इस कोर्स में आपको दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों, पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी कोर्स में आपको सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र ₹4,500। पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर दोस्तों विद्या स्थली बेच है, RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी के लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको दोस्तों प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और इसी में दोस्तों टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र ₹4,000। साथ में दोस्तों आचार्य बेच है, अतः असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी MP UP और हरियाणा में वैकेंसीज आई है, उसकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल है। इस कोर्स में भी दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स आपको PDF में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और इसी में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र ₹6,100। साथ में दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी आई है, इसमें भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आपको क्लासेज अवेलेबल है, जिसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की और पेपर 1 की दोनों लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स आपको PDF में दिए जाएंगे और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और इसी में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र ₹7,100। साथ में दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है, NTA नेट JRF के लिए सेट एग्जाम्स के लिए फर्स्ट ग्रेड TGT PGT लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चरर सभी एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए जो भी सिलेबस में है आपके, उन सभी में ये आपको बहुत यूजफुल रहेंगे दोस्तों, जिसकी फीस है मात्र ₹299। इस टेस्ट सीरीज में भी दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार, टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे, साथ ही में यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और कुल 50 प्रश्नों के टेस्ट होंगे जिनको आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा। इसी में दोस्तों परीक्षा की योजना के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे, इन्हें भी आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा, और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी मात्र ₹299 में। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट JRF, और आपको जो भी डाउट्स है आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वायुदाब से संबंधित और पवन संचरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्न में से किसका मापक किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, भूकंपीय तरंगों का, पवनों की गति का, चक्रवातों की शक्ति का, या ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत पदार्थों का, किसका मापन टी मापक पर किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर, टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? तो देखते हैं दोस्तों, टी मापक पर दोस्तों चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों, चक्रवातों की शक्ति का मापन टी मापक द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा का,
बादलों की दिशा एवं गति का, सागरीय लवणता की मात्रा का, या फिर उपयुक्त सभी? नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों, नेफ्रोमीटर से सागरीय लवणता की मात्रा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट से दोस्तों, ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया गया है? ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? भूकंपीय तरंग की गति को, बहते हुए जल की गति को, पवन की गति को, या इन सभी को ब्यूफोर्ट स्केल पर दर्शाया जाता है? तो आंसर बताइए दोस्तों, ब्यूफोर्ट स्केल पर किसे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों, ब्यूफोर्ट स्केल पर पवन की गति को दर्शाया जाता है, भूकंपीय तरंगों को दोस्तों सीस्मोग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, तो मर्केली और रिक्टर स्केल द्वारा, और ब्यूफोर्ट स्केल को पवन की गति द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, जब कैसी वायु होती है जब वायु दाब सर्वाधिक होगा? ठंडी और शुष्क, ठंडी और नम, उष्ण और शुष्क, या उष्ण और नम? सर्वाधिक वायु दाब कौन सी स्थिति में होगा? बताइए दोस्तों, वायु दाब या फिर एयर प्रेशर? वायु दाब या एयर प्रेशर क्या होता है दोस्तों? वायु दाब होता है दोस्तों प्रति इकाई आयतन पर, अर्थात जैसे ये कोई ब्लॉक है, तो ये कोई इकाई है, इस इकाई पर पृथ्वी के समुद्र तल से तथा सी लेवल से वायुमंडल तक इस क्षेत्र में जितना वायु का भार है उसी को हम वायु दाब कहते हैं, तथा एयर प्रेशर कहते हैं। जितना एक इकाई के अंतर्गत वायु का भार होता है उसी को वायु दाब या एयर प्रेशर कहा जाता है। तो वायु दाब प्राय सर्वथा ज्यादा वायु दाब कब होगा? तो दोस्तों, प्रेशर एंड एयर विलोमानुपाति संबंध पाया जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, वायु दाब कम होगा। जहां पर टेम्परेचर कम होगा, वायु दाब की मात्रा वहीं पे उच्च देखी जाती है। तो दोस्तों, इन दोनों के मध्य विलोमानुपाति संबंध पाया जाता है। तो सर्वाधिक वायु दाब कब होगा? जब वायु ठंडी होगी। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वायु दाब प्राय सर्वाधिक होगा, वायु दाब ठंडी प्लस जब शुष्क वायु होगी तभी इसमें वायु दाब की मात्रा सर्वाधिक वायु दाब पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक हवाएं होती है नियमित, स्थिर, अनियमित, अंशतः अनियमित, या उपरोक्त में से कोई नहीं? व्यापारिक पवने या व्यापारिक हवाएं कैसी होती हैं? बताइए दोस्तों, व्यापारिक हवाएं स्थाई पवने, सनातनी पवने, ग्रहीय पवने, सभी को, अर्थात इन सभी के नाम व्यापारिक हवाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है एक नियमित और स्थिर पवनों के अंतर्गत शामिल की जाती है। नियमित और स्थिर दोस्तों, अर्थात 12 महीनों तक एक ही दिशा का अनुसरण करने वाली पवनों को ही व्यापारिक हवाएं, या फिर नियमित, स्थिर, सनातनी, या फिर ग्रहीय या प्लांटरी विंड्स कहा जाता है। तो दोस्तों, व्यापारिक हवाएं किन्हें कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश से दोस्तों, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह दोस्तों पोल्स था 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार दोस्तों, दक्षिण में भी यही स्थिति होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यह 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों, व्यापारिक हवाएं पता है कि 23.5 से था उत्तरी व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य क्या क्षेत्र व्यापारिक पवन पेटी के अंतर्गत आता है, जिनकी दिशा दोस्तों हमें पता है
यह 12 महीने या फिर हमेशा एक ही दिशा का अनुसरण करती है। अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनका उत्तरी गोलार्ध में, तो इनकी उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी दक्षिण गोलार्ध में स्थिति मानी जाती है, जो एक नियमित एवं स्थिर वायु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनी क्या कहलाती है? स्थानीय पवनी, सनातनी पवनी, सामयिक पवनी या भूपृष्ठीय पवनी? पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनी कौन सी होती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनी ही नियमित पवनी, स्थिर पवनी या इन्हीं को सनातनी पवनी या ग्रहीय पवनी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा था दोस्तों, इसमें व्यापारिक पवन को शामिल किया जाता है, ट्रेड विंड्स को इसमें शामिल किया जाता है, साथ में दोस्तों इसमें पछुआ जाता है, और एक होती है दोस्तों ध्रुवीय पवन। अर्थात ध्रुवों के पास में ध्रुवीय पवनी भी सनातनी पवनी होती है। इन तीन पवनों को दोस्तों हम व्यापारिक, अर्थात व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय पवनी, ये सभी सनातनी पवनों या फिर ग्रहीय पवनों के अंतर्गत शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है? निम्न दाब या वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सामान्य ढाल तथा वायु का अवतलन या निम्न दाब और शांत पवन, इनमें से डोल्ड्रम की विशेषताएं कौन सी मानी जाती है? बताइए दोस्तों। डोल्ड्रम दोस्तों 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाला क्षेत्र डोल्ड्रम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इससे विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसकी, अर्थात डोल्ड्रम की विशेषता निम्न दाब प्लस शांत वायु को ही डोल्ड्रम का क्षेत्र माना जाता है। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार के पवनों का संचरण नहीं होता है, इस कारण ये क्षेत्र शांत क्षेत्र कहलाता है। इसी को दोस्तों हम बेल्ट ऑफ काम या फिर बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम कहते हैं। था जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परिघटना नहीं होती है, था शांत क्षेत्र होता है, ना कोई यहाँ पर कोई पवन चलती है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी क्रियाएं होती है, इस कारण यह इस क्षेत्र का नाम डोल्ड्रम या शांत पेटी के, इसी को दोस्तों ITCZ भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों निम्न वायु दाब का क्या कारण है? थार पवने यहाँ पर, यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ से जब व्यापारिक पवने इसके उत्तर से प्रवाहित होती है, तो इस क्षेत्र में कोरियोलिस बल का अभाव होता है। था यहाँ पर कोरियोलिस बल शून्य पाया जाता है, जिस कारण पवनों में विक्षेप नहीं होता है। ये पवने का टेम्परेचर अधिक होता है और तापमान के अधिक होने के कारण ये पवने सीधे ऊपर उठ जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र में निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो डोल्ड्रम पेटी दोस्तों निम्न वायु दाब एवं शांत पवन का क्षेत्र कहलाता है, जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 बेलेट सिद्धांत से हमें जिस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है वह है सूर्य ताप की मात्रा, वायु की दिशा, उच्च दाब क्षेत्र का स्थान या आपेक्षिक आर्द्रता। 22 बेलेट नियम के अनुसार हमें किस तथ्य की पहचान या फिर किस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों 22 बेलेट का नियम क्या कहता है? तो दोस्तों 22 बेलेट का नियम, 22 बेलेट महोदय ने दाब के बारे में हमें बताया था। अर्थात उच्च दाब और निम्न दाब किस गोलार्धों में किस प्रकार पाया जाता है, यह इसकी पुष्टि 22 बेलेट महोदय ने दी थी।
इन्होंने ये अपना सिद्धांत 1857 में दिया था, और इन्होंने बताया था कि जहाँ से पवनी अर्थात पवनी जिधर से जहाँ से आ रही है, अगर कोई व्यक्ति उनके पीठ करके खड़ा हो जाता है तो पवन जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में अगर पीठ करके खड़ा हो जाता है तो उसका उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब उसके दाई ओर होगा। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब उसके दाई ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में उसका उच्च वायुदाब उसके बाई ओर पाया जाएगा। तो दोस्तों 22 बेलेट का नियम क्या कहता है कि जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा में अगर पीठ करके खड़ा हो है, अर्थात कोई कोई व्यक्ति उस दिशा में पीठ करके खड़ा है तो उसका उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब उसके दाई ओर होगा और बाई ओर उसके निम्न वायुदाब पाया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की विपरीत स्थिति हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में उसके उच्च वायुदाब बाई ओर पाया जाएगा और दक्षिण और दाई ओर उसका निम्न दाब पाया जाएगा। तो 22 बेलेट का नियम है दोस्तों, इसको लिख लेते हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब उसके दाई ओर था, लेफ्ट साइड उसके हाई प्रेशर होगा और निम्न वायुदाब उसके बाई ओर पाया जाएगा। लेफ्ट साइड उसके लो प्रेशर और राइट साइड उसमें हाई प्रेशर पाया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब उसके बाई ओर और निम्न वायुदाब के दाई ओर पाया जाएगा। तो दोस्तों 22 बेलेट का नियम 1857 में दिया था, 22 बेलेट द्वारा यह सिद्धांत या ये नियम दिया गया था जो उच्च दाब क्षेत्र का स्थान है अर्थात दाब के बारे में यह हमें बताता है। 22 बेलेट का रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब क्षेत्र का स्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भूपृष्ठीय वायु प्रवाह जो अश्व अक्षांशों से विषुवतीय शांत पेटी की ओर प्रवाहित होती है को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन, प्रति व्यापारिक पवन, शीतकालीन मानसून या खमसीन। भूपृष्ठीय वायु प्रवाह जो अश्व अक्षांशों से विषुवतीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है कौन सी पवन कहलाती है, बताइए दोस्तों इसका आंसर। अश्व अक्षांशों से विषुवतीय शांत पेटी की ओर कौन सी पवनों का प्रवाह होता है, तो अभी देखा है दोस्तों अश्व अक्षांशों से या फिर विषुवतरेखा की ओर कौन सी पवने आती है। दोस्तों इन्हीं को हम व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री से 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवन पेटी का क्षेत्र आता है के ऊपर दोस्तों उपोष्ण कटिबंध आ जाता है, इसी को दोस्तों हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। और उसके ऊपर दोस्तों उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी का क्षेत्र आता है, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का क्षेत्र आता है, सॉरी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी का क्षेत्र आता है और उसके ऊपर दोस्तों 90 डिग्री ध्रुवों पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र आता है। तो इसका आंसर है व्यापारिक पवन पेटी। अश्व अक्षांशों से विषुवतीय शांत पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवने व्यापारिक पवन पेटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती है, वायु की दिशा, उच्च दाब क्षेत्र का स्थान। आप ऑप्शंस गलत है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि व्यापारिक पवनों का उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा होती है, अभी हमने इस पे बात की थी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व
या फिर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक भवनें किस दिशा में बहती हैं? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अभी हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी भवनों की दिशा इस प्रकार होती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक भवनों की दिशा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक भवनों की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबिया में चलने वाली स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? लीबिया में चलने वाली स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? चिली, फोन, बुरान या गिबली? लीबिया में कौन सी स्थानीय पवनें चलती हैं? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, लीबिया में चलने वाली स्थानीय पवन कौन सी? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, लीबिया में कौन सी पवनें चलती हैं? चिली, चिली दोस्तों ट्यूनिशिया के तट पर, अफ्रीका में ट्यूनिशिया के तट पर पाए जाने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। फोन, फोन दोस्तों ये भी एक गर्म स्थानीय पवन है जो कि आल्पस पर्वत पर प्रवाहित होती है। बुरान दोस्तों एक शीत ठंड स्थानीय पवन अर्थात ठंडी स्थानीय पवन है जो कि साइबेरिया में प्रवाहित होती है। साइबेरिया में चलने वाली एक ठंडी स्थानीय पवन का नाम बुरान है। लीबिया में चलने वाली एक उष्ण पवन दोस्तों गिबली कहलाती है। अर्थात लीबिया, अफ्रीका में चलने वाली उष्ण पवन का नाम गिबली माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह पृथ्वी का, किसके कारण पवनों की दिशा में विक्षेपण या फिर विचलन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, परिभ्रमण के कारण या फिर परिक्रमण के कारण? पवनों की दिशा में विचलन या विक्षेप किसके कारण होता है? तो बताइए दोस्तों पवनों की दिशा में किसके कारण होता है? पवनों की दिशा में विक्षेप दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण होता है जो कि पृथ्वी के परिभ्रमण का परिणाम है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही कोरियोलिस बल में अर्थात कोरियोलिस बल के कारण पवनों में विक्षेप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत पेटी जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है वह है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त? शांत पेटी किन क्षेत्र के मध्य अर्थात किस क्षेत्र के मध्य या किस पेटी के मध्य पाई जाती है? बताइए दोस्तों शांत पेटी, इसी को दोस्तों हम डोलड्रम या फिर बेल्ट ऑफ काम भी कहते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की पवन प्रवाहित नहीं होते था, शांत क्षेत्र कहलाता होता है। तो यह दोस्तों शांत पेटी 5 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है जो कि श्वेत रेखा के दोनों ओर पाई जाने वाली एक पेटी कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटोरियल लाइन के दोनों ओर पाई जाने वाली पेटी ही शांत पेटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फोन आल्पस में, मिस्ट्रल रोन घाटी में, कमसिन मिश्र में या बोरा स्विट्जरलैंड में? कौन सा ऑप्शन इनमें से दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, स्थानीय पवनों से संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या फोन आल्पस में बहती है, या मिस्ट्रल रोन घाटी में बहती है, क्या कमसिन मिश्र में बहती है, या फिर बोरा स्विट्जरलैंड में बहती है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, फोन आल्पस में चलने वाली एक उष्ण स्थानीय पवन है। तो ये सही है दोस्तों। मिस्ट्रल रोन घाटी या फ्रांस में चलने वाली एक शीत स्थानीय पवन कहलाती है। खमसिन दोस्तों मिस्र में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है, परंतु बोरा दोस्तों स्विट्जरलैंड में नहीं चलती है। बोरा
स्विट्जरलैंड, बोरा दोस्तों साइबेरिया में चलती है। बोरा दोस्तों एड्रियाटिक सागर में चलने वाली एक शीत पवन है। एड्रियाटिक तट पर चलने वाली एक शीत पवन बोरा होती है। स्विट्जरलैंड के दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत पर एक जूरन स्थानीय पवन प्रवाहित होती है, ना कि बोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरा एड्रियाटिक सागर पर चलने वाली एक ठंडी स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए दोस्तों, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। बताइए दोस्तों, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। गैरिस, जोंडा, काराबुरान या पंपेरो, कौन से स्थानीय पवने कहाँ पर प्रवाहित होती है? स्थानीय पवने सूची दो में है, इनके क्षेत्रार्थ की लोकेशन कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, गैरिज, गैरिज कहाँ पर चलती है दोस्तों? गैरिज, सिस्टर्न, ऐसी ये गर्म पवने ईरान इराक के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो गैरिज बलूचिस्तान में प्रवाहित होने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। जोंडा दोस्तों अर्जेंटीना में प्रवाहित होने वाली एक गर्म पवन, सॉरी ठंडी पवन है। काराबुरान दोस्तों एक तारिम बेसिन में चलने वाली गर्म पवन है। पम्पेरो दोस्तों पंपास के क्षेत्रों में चलने वाली एक स्थानीय पवन मानी जाती है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, 3142 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शामन, गैरिज, सिस्टर्न, ये सारी दोस्तों ईरान इराक के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली गर्म पवने होती हैं। जोंडा दोस्तों अर्जेंटीना में, काराबुरान तारिम बेसिन में और पम्पेरो पंपास के क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरदीय अभिसरण क्षेत्र प्राय पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? विषुवत वृत्त के निकट, कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट या आर्कटिक वृत्त के निकट? कहाँ पर ITCZ या फिर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है? बताइए दोस्तों, अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, या फिर इसी को दोस्तों डोल्ड्रम या शांत पेटिका क्षेत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों ये विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा किस दिशा में विक्षेपित हो जाती है? कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से किस दिशा में विक्षेपित हो जाती है? ऊपर की तरफ, पश्चिम की तरफ, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ? कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पवनों का विक्षेप किस दिशा में होता है? आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, कोरियोलिस बल के प्रभाव से, तो हमें पता है दोस्तों कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवने अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। इनकी दिशा में परिवर्तन दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कोई अगर पवन प्रवाहित हो रही है तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण यह अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में ही अपनी दिशा को बाईं ओर प्रवाहित कर लेती है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी मूल दिशा के बाईं ओर प्रवाहित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में यह अपनी मूल दिशा से दक्षिणी अर्थात दक्षिण दिशा में बाईं ओर प्रवाहित होने लग। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से किस दिशा में प्रक्षेपित हो जाती है?
तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवने अपनी मूल दिशा से दाई ओर विक्षेपित हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बाई ओर इनका विक्षेप होता है। क्वेश्चन कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी की ऋतु में वर्षा नहीं होती है। इसका कारण, गर्मी में व्यापारिक पवने इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। तो बताइए दोस्तों, कारण और कथन सही है, ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी की ऋतु में वर्षा नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कथन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी की ऋतु में वर्षा नहीं होती है। सही बात है दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में या फिर जाड़े के दिनों में या फिर शीतकालीन वर्षा होती है। इसका कारण है, गर्मी में व्यापारिक पवने इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। नहीं दोस्तों, व्यापारिक पवने इसका कोई मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र 40 डिग्री उत्तर से तथा 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के पश्चिमी भागों में भूमध्य सागरीय क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पर दोस्तों पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित कीजिए। विली विली, हरिकेन, टाइफून या टेफून चक्रवात है दोस्तों, ये कौन से क्षेत्रों में इनकी उत्पत्ति होती है, ये आपको सम्मिलित करना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, कौन से चक्रवात कौन से क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों, विली विली चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। हरिकेन दोस्तों, हरिकेन ने यूएसए में हरिकेन कहा जाता है। टाइफून दोस्तों, चीन में इन्हें टाइफून कहा जाता है, और टेफू जापान में इन्हें टेफू कहा जाता है। अब विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन दोस्तों यूएसए में, और टाइफून चाइना में, और साथ में टेफू जापान में इन्हें कहा जाता है। इसका आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा के मोचन हेतु उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा के लिए गुप्त ऊष्मा के मोचन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर दोस्तों, अभिवहन, संचालन, संवहन या संगणन। गुप्त ऊष्मा के लिए दोस्तों संगणन को प्रभावी माना जाता है। वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा के लिए संगणन की प्रक्रिया को उत्तरदायी माना जाता है। चलिए दोस्तों, वायुमंडल या तथा वायुदाब और पवन संचरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के। तब तक की दोस्तों आप इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों, उन कोर्सेज का भी आप लाभ उठाइए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको जिस टॉपिक से क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करवानी है आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।